सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी डिग्री पार्ट वन के उन छात्रों के लिए है जिन्होंने डिग्री पार्ट वन में एडमिशन कराते समय किसी न किसी चीज़ में गलतियाँ किए हैं। गलतियाँ उनके नाम में हो सकता है, पिताजी के नाम में हो सकता है, माताजी के नाम में हो सकता है, जेंडर में हो सकता है, कैटेगोरी में हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। इसके बाद बहुत छात्र चाहते होंगे कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग अपने गलतियों को कैसे सुधारेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या क्या सुधार हो सकता है। तो आपके कॉलेज का नाम और ऑनर्स को छोड़ करके जितने भी चीज़ में गलतियाँ हुआ है आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि कॉलेज का नाम और ऑनर्स जो है वो सुधार नहीं हो पाएगा। बाकी सब्सिडरी हुआ, कंपोजिशन सब्जेक्ट हुआ, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए, सर्च बार में टाइप करिए LNMUniversity.in और सर्च कर दीजिए। इस प्रकार से आप लोग को लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे पहले कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका मोबाइल जो है वो पूरा पूरा जो पेज ओपन होगा वो दिखेगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे आना है नीचे UGPG सेक्शन वाले पे, जो लिंक सब दिया गया है यहाँ पे बहुत तरह का, तो यहाँ पे देख सकते हैं UGPG सेक्शन है। तो आप लोगों को नीचे आना है जहाँ से एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑफ UG एडमिशन 2019 रीओपन, क्योंकि आप लोगों ने 2019 में ही डिग्री पार्ट वन में एडमिशन ली है। आप लोगों का सेशन 19 से 22 है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आई एग्री का एक पेज दिखेगा, तो आई एग्री पे क्लिक करके आप इसे हटा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड, तो आप लोगों के पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप अपना वीडियो को देख करके यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त कर लीजिए। और नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पे नीचे में जो फॉरगॉट पासवर्ड है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है और सर्च करना है। तो आप लोगों का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो शो हो चुका है, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड है, इसमें टाइप कर देता हूँ और क्या क्या सुधार करना है, कैसे सुधार करना है इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग को ऊपर में आएगा एडमिशन सेक्शन, नीचे में रजिस्ट्रेशन, इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड और रिजल्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। एडमिशन सेक्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एडमिशन 2019, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि दिस प्लग इन इज नॉट सपोर्टेड, तो आप लोगों को साइड में दिखाई देगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोगों का जो भी चीज़ सुधार करना है तो यहाँ पे ये प्रिंट सेक्शन पे आ चुका है। तो आप लोगों को सुधार करना है तो यहाँ पे पर्सनल सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेक्शन, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल भरा गया है एडमिशन के समय वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ पे चेंज करना है, जैसे आपका नाम में गलती हुआ है तो आप यहाँ पे नाम पे टाइप करिएगा, और आप लोग यहाँ पे नाम अपना यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी के नाम में गलती हुआ है तो पिताजी के नाम चेंज कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। माताजी के नाम में गलती हुआ है तो माताजी का नाम सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आप लोगों का जो गार्जियन का मोबाइल नंबर है उसे सुधार करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सुधार करिएगा। डेट ऑफ बर्थ सुधार करना चाहेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी सुधार नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे जेंडर सुधार करना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप लोग यहाँ से सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद आप बिहार से हैं, डोमिसाइल बिहार से है तो बिहार तो सेलेक्ट ही रहेगा। इसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कैटेगरी यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आप EWS में है तो, या BC में है, EBC में है, SC में है, ST में है, जो भी में है आप लोग यहाँ से सुधार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना जो मैरिटल स्टेटस है, विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको भी आप सुधार कर लेंगे। अगर आप जो यहाँ पे जो भी डिफरेंटली हैंडीकैप है तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो भी सुधार करना है तो आप लोग यहाँ से सुधार करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सभी चीज़ सुधार करने के बाद एक बार और देख लीजिएगा कि सुधार है कि नहीं है। अगर आप लोगों का सभी चीज़ लगे कि सही है तो आप लोगों को आना है यहाँ पे
ये तो हो गया पर्सनल डिटेल सेक्शन, आप लोगों को सही से देख लिए। इसके बाद आप लोगों को चेक कर लेना है एकेडमी डिटेल सेक्शन पे। तो एकेडमी डिटेल सेक्शन पे आप लोगों को यहाँ पे एक मैट्रिक का दिखाएगा, एक इंटरमीडिएट का दिखाएगा। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट पे आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का सभी चीज़ सही रहेगा तो आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है, अगर सही नहीं है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इस प्रकार से इसे एडिट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे खुल जाएगा, आप लोग को जो भी एडिट करना है, सही है तो सही है तो ओके कर देना है। इंटरमीडिएट वाले पर क्लिक करेंगे एडिट पर, तो इंटरमीडिएट का सभी चीज़ यहाँ पर शो अप हो जाएगा, तो आप लोगों को ये सब सही रहेगा तो ओके कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको आ जाता है डिसिप्लिन डिटेल सेक्शन। तो ऑनर्स में आ जाता है, तो आप लोग कौन कौन से ऑनर्स रखे हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ऑनर्स तो शो नहीं होगा, आपका यहाँ पे कोर्स नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो कोर्स जो है वो ऑनर्स रहेगा तो ठीक ही है, और नहीं रहेगा तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेलेक्ट फैकल्टी नेम है वो यहाँ पे आर्ट कॉमर्स साइंस शो अप हो जाएगा, तो आप लोगों को जो भी रखना है वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑनर्स सब्जेक्ट, तो आपका ऑनर्स जो है वो सेलेक्ट ही रहेगा, आप लोगों को यहाँ पे शो अप नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आगे का जो ऑनर्स में जो है मार्क वो भी आप लोगों को यहाँ पे शो अप नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जब एडमिशन फॉर्म भरे थे तो आप लोगों ने जो कॉलेज जो अलॉट करने के लिए चूज किए होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो इससे अब जो भी किए थे एडमिशन के समय वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों का एक पर्सनल डिटेल सेक्शन में जितने भी चीज़ है वो सुधार होगा, एकेडमिक डिटेल सेक्शन में जितने भी चीज़ है वो सुधार होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का डिसिप्लिन में कुछ भी नहीं सुधार होगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है, और डिसिप्लिन सेक्शन का सुधार जो है वो आप लोगों के कॉलेज में ही होगा, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि हमें जो ऑनर्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट या कंपोजिशन सब्जेक्ट है उसे चेंज करवाना है, तो वो कॉलेज के जो पदाधिकारी होंगे या प्रधानाचार्य होंगे वो आप लोगों को सुधार कर देंगे, आप लोग वहां पे जाकर के इस चीज को सुधार करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप लोगों का जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है या कंपोजिशन सब्जेक्ट है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रीव्यू सेक्शन पे देख लेना है, इतना चीज देख लीजिएगा कि पर्सनल डिटेल सेक्शन हम सुधार किए, एकेडमिक डिटेल सेक्शन सुधार किए, और पर्सनल प्रीव्यू में आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, कि सही हुआ है कि नहीं है। तो आप लोग अब देख लीजिएगा कि इसमें सही है तो आप लोगों को करना क्या है, सही होने के बाद आप लोग एक बार पेमेंट वाला पर देख लीजिएगा, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पेमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार पेमेंट किए हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, दो बार किए होंगे तो दो बार शो लिखा है। इतना चीज सही होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो है प्रिंट सेक्शन मिलेगा, तो प्रिंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा, आपका जो ऑनर्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद जो है यहाँ पे कोर्स टाइप जो है वो ऑनर्स दिखाई देगा, ठीक है। आपका जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे शो हो चुका है, आप लोग इसी प्रकार से देखेंगे, और आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाते समय ही चेंज होता है, तो इसमें ये चीज़ नहीं चेंज हो पाएगा। इसके बाद आपका एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आप लोग अपना एड्रेस डिटेल देख लेंगे, अभी ही मौका है, आप लोग जो भी सुधार करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप लोग देख करके सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे में आने के बाद यहाँ जो बारकोड रहेगा, बारकोड के नीचे प्रिंट आउट ऑफ वन, तो आप लोगों को प्रिंट वन ऑफ वन, तो आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है प्रिंट करने के लिए। और इतना करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि प्रिंट का पीडीएफ फाइल में ओपन हो चुका है, तो इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल में मैंने इसे सेव कर लिया, अब सेव करने के बाद जो है इस पीडीएफ फाइल को आप लोगों को प्रिंट आउट करवा लेना है, प्रिंट आउट करवाने के बाद जो है अपने कॉलेज में जाना है और जमा करना है, और ये काम आप लोगों को अभी से 15 दिन के अंदर ही करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का आदेश है कि जिसको भी जिस चीज़ में गलती हुआ है वो सुधार करेंगे मात्र 15 दिन के अंदर, अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया होगा, और 15 दिन के अंदर आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, और बता दीजिएगा कि मुझे ये चीज़ गलती हुआ था, मैंने इसे सुधार करवाया हूँ, और आप लोगों को सुधार और भी चाहिए तो आप अपने हिसाब से सुधार कर दीजिए, ऐसे आप लोगों को कह देना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितने भी चीज़ एडिट किए हैं वो अपडेट जो होता है वो 48 घंटे के बाद होते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो 48 घंटे के बाद ही करिए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका जो भी है वही चीज़ रह जाएगा। तो आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।